मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर। इंदौर में जिस प्रकार से कमिश्नरी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर एक ऐसा शहर बन चुका है जिसमें क्राइम फ्री सिटी बनाने का एक नया लक्ष्य हासिल करने की होड़ लगी हुई है। वहीं उसी के बाद यहां पर होने वाली अनैतिक गतिविधियों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा लगातार डहाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। उसी कड़ी में आज भवरकुआ क्षेत्र में होटल 24 आवर्स पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। होटल में जो अनियमितताएँ थी, जिसमें दो प्लाट के संयुक्तिकरण के साथ उसको बनाया गया था और उसमें कई प्रकार की अनियमितताएँ थी, उसी के साथ साथ कुछ समय पहले इसी होटल पर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि वहां पर जब कार्रवाई की, वहां पर कई बच्चे, कई महिलाएं, कई पुरुष उस जगह से मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई को सिर्फ समझाइश देने के हिसाब से अंजाम दिया गया था। वहीं उसी के बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर अनैतिक गतिविधियां भी लगातार जारी है समझाइश देने के बाद भी। तो आज उसी के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और उस होटल को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं उस होटल को तोड़ने के बाद अब इंदौर जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त चेतावनी दी है। इंदौर में जिस प्रकार से अनैतिक गतिविधियां लगातार जारी है, अगर बात करें हम अलग होटलों की, जो होटल फिलहाल इंदौर में कुकुरमुत्ते की तरह पूरे इंदौर में देखे जा रहे हैं, उनमें कई प्रकार की अनैतिक गतिविधियां लगातार जारी है, जिसकी शिकायतें जिला प्रशासन को मिलती जा रही है और जिला प्रशासन ने उन्हीं शिकायतों पर उनके ऊपर कार्रवाई का मन बना लिया है। अब यही देखना है कि आने वाले समय में ये होटल किस प्रकार से अनैतिक गतिविधियों से दूर होते हैं या समझाइश देने के बाद भी उसी नक्श कदम पर चलते हैं जिससे प्रशासन परहेज करता है। और प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि अब इंदौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है, उस सपने को साकार करना है और उसी के साथ आने वाले समय में इंदौर में नाइट कल्चर्स की भी शुरुआत होना है, जिसमें ये जो आपराधिक गतिविधियां रात्रि के अंधेरे में होती है उन गतिविधियों पर ब्रेक लगाने के लिए, उन गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए नशे के जो सौदागर हैं, जो पबों के साथ साथ अन्य जगहों पर नशा परोसते हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार जिला प्रशासन करेगा और अब कड़ी कार्रवाई करने के मूड में, सख्त कार्रवाई करने के मूड में। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार का कल्चर लगातार बना रहेगा और जो भी व्यक्ति इस आपराधिक प्रवृत्ति का जो रहेगा और जिसमें ये अपराध लगातार जो करेगा उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के साथ जो उसकी अवैध संपत्ति है उसको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। वही अब इंदौर जिले के मुखिया का साफ कहना है कि अब ऐसे आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो समझ जाएं या फिर सुधर जाएं या फिर इंदौर छोड़ दें। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।